सिंगरौली में नवनिर्वाचित भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता को दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गुप्ता के समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राम सुमरन गुप्ता को दूसरी बार सिंगरौली भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसकी खुशी में विधायक रामलल्लू वैश, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। मोरवा शिव मंदिर से राम सुमरन गुप्ता के समर्थन में जुलूस निकाला गया, जो जयंत वैड़न के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। जिलाध्यक्ष राम सुमरन गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंगरौली जिले की कमान सौंपी है। उन्होंने कहा, वे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर आने वाले 2023 के विधानसभा एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाएंगे। आज मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है और सभी को काम करने का मौका मिलता है। निश्चित ही हम ही कई वर्षों के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के स्वयंसेवक के रूप में रहे, भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों में रहे, छोटे से बढ़ करके हम लोग झंडा बांधते रहे पार्टी का। अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित ही इन सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद जरूर जगी है कि हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, और जब सब कोई साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो पहिया थोड़ा धीरे था और तेज हो जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।